सब्सक्राइब कीजिए AQ Tech हिंदी चैनल को और दबाइए इस बेल बटन को टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाय व्हाट्सअप गाइस, दिस इज AQ, वेलकम माय YouTube चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ विंडोज 10 में ऑटो रोटेशन वर्किंग नहीं करता है तो इसकी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, वो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे जो रेड बॉक्स में सब्सक्राइब का बटन है उसके ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब करें। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं। दोस्तों आपको सबसे पहले रन कमांड ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर REGEDIT ओपन करना है। उसके बाद आपको ओके के ऊपर प्रेस कर देना है। ओके, तो उसके बाद आपको ये एक विंडो ओपन हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर सर्च बार में इसके जो लोकेशन बार में आपको यहाँ पर ये वाला पेस्ट करना है। इसकी जो लिंक है, जो ये टेक्स्ट मैटर की जो लिंक है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से डायरेक्ट लिंक डालकर ओपन कर सकते हैं। उसके बाद मैं यहां पर इंटर प्रेस कर देता हूं। इंटर प्रेस करने के बाद आपको यहां पर एक अनेबल का ऑप्शन देखने को मिलता है, इसके ऊपर क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद यहां पर वैल्यू डाटा जो है डिफ़ॉल्ट 0 रहती है तो आपको इसको 1 करना है। 1 करने के बाद आपको ओके के ऊपर प्रेस कर देना है। ओके के ऊपर प्रेस करने के बाद हम इसको यहाँ से क्लोज़ कर लेते हैं। क्लोज़ करने के बाद आप अपने सिस्टम को एक बार रीस्टार्ट कीजिए, उसके बाद आपकी ये जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो जाएगी। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया फ्रेंड। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने हमारे AQ Tech हिंदी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे जो रेड बॉक्स में सब्सक्राइब का बटन है उसके ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।